पहला ऑडिशन मुझे याद है फ्रीमेंटल इंडिया में था, आई थिंक सन 2012 की बात है, और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत घबराया हुआ था। फ्रीमेंटल इंडिया ज़्यादातर रियलिटी शोज़ करती है, तो एज सच कोई वहाँ पर ऑडिशन का रूम नहीं था, ओपन ऑफिस में ही वो वहाँ पर खड़ा करके एक दीवार का उन्होंने बैकग्राउंड ले लिया था, एंड दे सेड के स्क्रिप्ट दी उन्होंने मुझे पहले प्रिपेयर करने के लिए, वो तो मैंने प्रिपेयर किया और फर्स्ट ही मेरा ऑडिशन में मैंने अच्छे से दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बता देंगे। तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ मेरा इतनी जल्दी कॉल आ जाएगी, तो उसी दिन शाम को ही मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं उन्होंने बोला कि अभी ऑफिस आ सकते हो, तो मैं गया उनके ऑफिस, मैं नियर बाई ओशिवारा में ही था, तो गया तो उन्होंने बोला कि एक कॉप का करेक्टर है वो आप करोगे, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो मैंने सुना बहुत था कि ये लोग पैसे वैसे बहुत लेते हैं, पैसे देके, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था उस वक्त, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने बोला कि इस करेक्टर के तुम्हें ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे उन्होंने जो बोले, मैंने कहा अभी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं लेके आता हूँ, कहते अगले तुझे मिलेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने बोला कल से शूट होगा, तो दैट वॉज द माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। फीस दी टेंशन वाले कोई ज़्यादा नहीं है, जस्ट 25 लाख। 25 तो ओ माय सन, तुम चिंता की लोड़ है, यू नो व्हाट, पढ़ाई के नाल नाल कमाई भी हो जाएगी, वहां जाके जॉब करने का, और जब वापस आएगा 6 महीने के अंदर डैडी के सारे पैसे लौटा देंगे, डोंट वरी, मैं करता कुछ, डैडी ने क्या मैंने कॉल करेंगे, ओके। जब मैंने पहला ऑडिशन दिया और मैंने देखा बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, और मैं यार कैसे करूं, जब कास्टिंग डायरेक्टर साहब के सामने मैं पहुंचा, मैंने बोला कि मे आई फिट सर, तो उन्होंने बोला हाँ आप फिट हैं, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैं स्क्रिप्ट लिया और मैंने बोला सर कि इसको कैसे क्या, टैक्सी वाले का करेक्टर था, उन्होंने वेरीफ किया और मैंने उसको सिद्धत से किया। लेकिन मुझे अभी भी याद है, कम से कम ऑडिशन देने के लिए 40-50 लोग थे, मेरा नंबर अगर 30 पे था तो मैं पीछे हो जाता था, नहीं यार इनको देने दो इसके बाद हम देंगे, कुछ मतलब ऐसा कुछ चल रहा था कि नहीं यार देखते ही कैसा कर रहे हैं फिर हम करेंगे, मतलब इस तरह से दिमाग में था। और लास्ट में फिर मैंने ऑडिशन लास्ट में दिया और उस ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ, अल्टीमेटली मैं फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। जब मैं ऑडिशन देने लगा और मेरा टारगेट था कि अल्टीमेटली जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं उसमें कम से कम एक ऑडिशन साहिल पटेल तुम्हारा होना चाहिए, ये मैंने अपने सबकॉन्शियस पार्ट में फिट कर लिया था, और जहाँ पे मैं नॉट फिट हो रहा हूँ वहाँ पे मेल आईडी में लेता था और इस तरह से अपने काम करने शुरू किए। तो पहला ऑडिशन था मेरा रामनगर में, फिर मैंने लोगों को देखा वहाँ पे, मुझे तो पहले कुछ पता नहीं था कि किस तरह से ऑडिशन दिए जाते हैं, ऑडिशन करा जाता है और किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से बातचीत की जाती है, मुझे कुछ नहीं अनुभव नहीं था इस चीज़ का। बट मैंने जब स्लेट पे अपना इंट्रोडक्शन बोला तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर थोड़ा दूसरों को देख देख के कि हाँ किस तरह से खड़े हो रहे हैं, उसका अनुभव काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली थी पर उस टाइम समझ में नहीं आई थी, बाद में मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आई थी। वो ऑडिशन मैंने एक अंधेरे में दिया था और जैसे ही मैं ऑडिशन रूम में गया, देखा कुछ लोग बैठे हुए, मैं भी जाके बैठ गया। जब कास्टिंग वाला आया तो मैंने पूछा सर मैं भी ऑडिशन के लिए आया हूँ, उन्होंने स्क्रिप्ट दी और मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और उसको याद करने की पूरी कोशिश की, टाइम लगा बट वो याद हो गई थी। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने कास्टिंग वाले को ये नहीं पूछा कि ये सीन क्या है और इसमें ये करेक्टर क्या है, ना ही मुझे कास्टिंग वाले ने ये बताया कि आपका ये करेक्टर है और ये सीन है, इसको इस तरीके से करना है। नॉर्मली मैं बैठा और स्क्रिप्ट याद कर ली, जैसे ही मेरा नंबर आया मेरा टर्न आया मैं अंदर गया, देखा कैमरे वैमरे लगे हुए थे, फर्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा सा नर्वस हुआ, और कौन सी बात है पहले फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरा देखूँगा तो मुझे डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कभी भी लाइफ में मैंने कैमरा फेस नहीं किया था। ठीक था, ऑडिशन दिया, जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने ऑडिशन दे दिया, बट मुझे ना कास्टिंग वाले ने ये बोला कि तुम्हारा अच्छा है ना बुरा है, तो
तो अपना दे के आ गया, वेट किया कुछ दिन कि कुछ रिजल्ट आएगा, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। बट ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई थी कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। अच्छा, आप मेरी शादी अंकिता के साथ करवाना चाहते हैं अपने मर्जी के लिए, अपने फायदे के लिए। आप चाहते हैं कि अंकिता की फैमिली की सारी दौलत आपके नाम हो जाए, लेकिन लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हाँ, अगर तो शायद तो थोड़ा सा डरा हुआ तो था, लेकिन चूंकि थिएटर किया हुआ था तो इसका बहुत फ़ायदा मिला, और आज भी इसका फ़ायदा मिलता है कि बात कर लेता हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि डर जाऊँ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। मतलब बड़े से बड़े आदमी के सामने नहीं आती इंग्लिश, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में बड़े प्यार से बात कर लेता हूँ और चीज़ें टैकल कर लेता हूँ। मैं क्या करूं, सुबह से उन ढक्कों को उन्हें चुनू या उन्हें सस्ता करूं, पांचों मोटे पैरों को जंजीरों से और खुद निकल लूं।